20 साल में इन्होंने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। और बेसिक मुद्दे हैं जिसमें रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। कई यहाँ कांड हुए तो उन्होंने कांड में पहले कहा है कि पहले मैं समाज का हूँ, बाद में मैं सांसद हूँ। अंदरूनी बिल्कुल खोखले वादे हैं, कुछ भी इन्होंने नहीं किया। ये बताइए कि 1 करोड़ वाला व्यक्ति का काम दिख रहा है, 5 करोड़ वाले व्यक्ति का काम कहीं नहीं दिख रहा है। हमारी मतों से हम लोग ये लोकसभा चुनाव जीतेंगे, ये निश्चय ही ईवीएम का खेल खेलेंगे, ईवीएम में वही 60-40 का रेशियो बनाएंगे। मोदी जी ने कहा कि ये सब हमारे परिवार हैं। मैं तो आपसे कहता हूँ कि मोदी जी के दो ही परिवार, अडानी और अंबानी। जो सफलता दिख रही है वो हमारी विजय के रूप में परिणित होगी और कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त लोकसभा चुनावों की वजह से राजनीतिक गलियारों में काफी गहमा गहमी मची हुई है। आज हम सतना विधानसभा सीट की तरफ रुख कर रहे हैं और हमारे साथ है सतना जिला के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा जी और साथ ही साथ रामपुर बघेलान विधानसभा सीट को लोकसभा के नजरिए से इस बार देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से विष्णु कांत कुशवाहा जी। आप दोनों का स्वागत है द खबरदार न्यूज पर। और हम चर्चा की जो शुरुआत कर रहे हैं, तो चूंकि चुनावी मौसम चल रहा है तो चुनाव के लेकर के हम सीधे चर्चा अपनी शुरू करते हैं कि जो सतना विधानसभा क्षेत्र रहा है वहाँ से पूर्व में गणेश सिंह सांसद चुनाव लड़े थे, सिद्धार्थ जी सामने थे, सिद्धार्थ जी ने गणेश सिंह को चुनाव हराया। लोकसभा की स्थितियाँ कुछ अलग होती हैं, लगातार 4 बार से वो सांसद हैं। इस बार मौजूदा विधायक गणेश सिंह, मौजूदा विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी के साथ गणेश सिंह सामने हैं, तो कितना चुनौती भरा ये चुनावी माहौल? देखिए, पहली बात तो नमस्कार आदरणीय आपको। ये जो चुनाव है, आपने अभी एक प्रश्न किया कि अभी इसके पहले विधानसभा का चुनाव था, दोनों आमने सामने थे, वो परिणाम आपने जान लिया। सतना विधानसभा के लोगों ने किस तरह से नकारा उनको, ये भी आपके बीच में सामने है। 4 महीना पहले उनका रिजल्ट है दोनों के बीच में। देखिए क्या है, गणेश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के सांसद हैं और एक पंचवर्षीय जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। नो डाउट 25 साल इनके पास इन्होंने जिला के लोकसभा को दिया। आप अभी आए होंगे क्षेत्र में, आपको दिख रहा होगा आपके बगल से यहाँ से लगा हुआ ठीक 10 किलोमीटर के बाद रीवा आ जाता है। रीवा में जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से आज 5 साल के बीच में अग्रणी रीवा दिख रहा है, सतना आपको उस जैसे ही प्रदेश में, आप सतना के बॉर्डर में आए हुए दिख गया होगा। उन्होंने 20 साल में 5 साल तो इन्होंने जिला पंचायत में किया, उसमें भी नहीं कुछ नहीं किया। उनके साथ वैसे भी आपको मालूम है कि शिक्षक कांड इनके सामने बिल्कुल लगा हुआ है और शिक्षक कांड के चलते आप बड़ी सी छलेदर इनकी हुई है, आपको ये मालूम भी है। 20 साल में इन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। इसमें जो भी रोडें दिख रही, सड़कें दिख रही, 2014 में जो हमारी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने प्लान बनाया था, उस प्लान का इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया। निश्चित है जो सरकार जब वर्तमान में हो जाती है, कोई भी प्लान बनता है जब आता है, जिसके समय चालू होता है उसी का नाम होता है, लेकिन इनका कुछ नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ अपने समाज का जो भी हित किया अपने समाज किया और ये समाज के नेता शुरू से ही बने रहे। कई यहाँ कांड हुए तो उन्होंने कांड में पहले कहा है कि पहले मैं समाज का हूँ, बाद में मैं सांसद हूँ। निश्चय ही हमारे क्षेत्र में अगर दूसरे पहलू को हम देखें, जो वर्तमान में हमारे जिला सांसद के रूप में हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो हमें प्रत्याशी दिया है, सिद्धार्थ कुशवाहा उर्फ डुबू भैया, निश्चय ही सर्वहारा वर्ग के नेता हैं और इन्होंने अभी 2 पंचवर्षीय पिछला रहे हैं और दूसरी पंचवर्षीय अभी आ गए हैं। पिछले पंचवर्षीय में उनका काम देखा जाए, निश्चय जितना उनको मिला है, चूंकि उनका जो मद है वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसे है, और इनको जो है 1 साल में 5 करोड़ मिलता है, उनको मिलता है 1 करोड़ रुपए। ये बताइए कि 1 करोड़ वाला व्यक्ति का काम दिख रहा है, 5 करोड़ वाले व्यक्ति का काम कहीं नहीं दिख रहा है। ये 5 साल का पैसा का हम इनसे हिसाब पूछना चाहते हैं कि 5 साल में इन्होंने जो 5 करोड़ रुपए पर साल आता है, वो पैसा आज 20 साल से इन्होंने कहाँ डाला, किस में, किस क्षेत्र में, किस मद में इसका विकास में काम किया, आज तक हमारे समझ में तो नहीं आ रहा, हमें नहीं दिख रहा उनका काम। निश्चय ही डब्बू भैया सर्वहारा वर्ग के नेता हैं, इनके ऊपर छाप लग गई है एक विशेष वर्ग की। और एक तीसरी फ्रंट की अभी आपने बात की कि यहाँ जाति समीकरण का फैक्टर सामने आ रहा। मैं आपसे बताऊँ, ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं होता है। बुद्धिजीवी कौम है, वो निश्चय देखती है कि किससे, किस क्षेत्र में विकास होना है, कौन हमारा विकास करने वाला व्यक्ति है, उस ओर वो बुद्धिजीवी कौम है, वो जाती है। और यहाँ मैं क्षेत्र में आज 10 दिन से घूम रहा हूँ, हमारे साथ विष्णु भैया भी घूम रहे हैं, जो रुझान मुझे मिल रहा है सर्वहारा वर्ग का,
वो कांग्रेस की तरफ मिल रहा है, और यहाँ पर व्यक्तिगत पार्टी से हट करके व्यक्तिगत इनका विरोध है, इसलिए लोगों का यहाँ कहना है कि मुझे अब इनको हटाना है, जो वर्तमान सांसद इनको हटाना है, इसकी जगह में लाना है जो हमें काम करने वाला, ये तो हटना चाहिए, इनका मैं चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ, क्षेत्र के लोगों का ये कहना है। और इससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को काफ़ी इजाफा मिलेगा सर्वर्ग से, बहुजन समाज पार्टी में जो एक विशेष लोग होते हैं, वह SC के लोग होते हैं, उनका भी रुख यहाँ तक कि कांग्रेस की तरफ है, और आने वाले समय में मुझे निश्चय ही जो सफलता दिख रही है वो हमारी विजय के रूप में परिणित होगी और कांग्रेस यहाँ से जीतेगी, ऐसा मेरा नहीं क्षेत्र के लोगों का कहना है। और लोगों का ये भी कहना है कि इस बार विसर्जन जरूरी है और विसर्जन करने के मूड में हर वर्ग है। ये बात विधानसभा चुनावों में भी नारों के तौर पर तब देल हुई थी, और रामपुर बघेलान विधानसभा सीट आप चूंकि देख रहे हैं, तो अगला सवाल मेरा रामपुर बघेलान सीट से है। अगर लगातार 3 विधानसभा चुनावों की स्थितियों पर हम देखते हैं तो वहां पर लगातार जो है तो हर्ष सिंह उनके बाद विक्रम सिंह चुनावी जीत अर्जित करते रहे हैं, लेकिन इस बार लोकसभा सीट में क्या कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है रामपुर बघेलान सीट? निश्चित ही, सर्वप्रथम अनुपम जी आपको नमस्कार, हम उम्र हैं आप लोग, हम और आप एक ही उम्र के हैं, तो सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सतना लोकसभा में जो मैंने देखा अभी तक, तो युवाओं के रोजगार की सबसे बेहद और सबसे बड़ी समस्या है, सीमेंट हब है लोकसभा क्षेत्र, पर यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। अब आपने बात की रामपुर विधानसभा की, तो मैंने यहाँ जो काम किया, मैंने यहाँ देखा, तो निश्चित ही इस बार विपरीत लोगों का रुझान है, कांग्रेस की तरफ रुझान है, और बेसिक मुद्दे हैं जिसमें रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो भाजपा की जितनी भी योजनाएं रही, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे नल जल योजना हो, और केवल रोडों में ये काम जहाँ हाईवे है वहाँ दिखाते हैं, और अंदरूनी बिल्कुल खोखले वादे हैं, कुछ भी इन्होंने नहीं किया, और यहाँ की जनता यहाँ के सांसद से बिल्कुल त्रस्त है। और हमसे पहले अध्यक्ष जी ने बताया ही कि जो यहाँ के सांसद हैं वो केवल एक जाति वर्ग विशेष के नेता हैं, माननीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी सर्व समाज के नेता हैं, और उन्होंने जमीन से बिल्कुल लड़ाई अपनी लड़ी है, और निश्चित ही हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे और बहुत भारी मतों से हम लोग ये लोकसभा चुनाव जीतेंगे। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं सतना की, तो मौजूदा विधायक जो हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, उनके पिताजी सुखलाल कुशवाहा जी हुआ करते थे। वो एक समय ऐसा था कि जब दो मुख्यमंत्रियों को वीरेंद्र कुमार सकलेचा और अर्जुन सिंह को एक चुनाव में एक साथ हराया था उन्होंने, फिर उसके बाद एक राजनीतिक प्रयोग शुरू हुआ, उनके सामने रामानंद जी लाए गए और ओबीसी के बीच लड़ाई हुई जिसमें रामानंद जी को जीत मिली थी। क्या कांग्रेस इस बार उसी फैक्टर को दोबारा रिप्लाई कर रही है, और अगर रिप्लाई कर रही है तो क्या जिस तरीके सुखलाल कुशवाहा जी को रामानंद जी के से हार मिली थी, इस बार गणेश सिंह उसी तरीके से सुखलाल कुशवाहा के बेटे सिद्धार्थ कुशवाहा से चुनाव में हारते हुए दिखाई देते हैं, या फिर वही रिपीट हो जाएगा जो इतिहास में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ का इतिहास बड़ा, यहाँ की जनता जो है बहुत जातिवादी समीकरण में नहीं, यहाँ का जो जनता का रुख होता है परिस्थितिक जन रहता है, यहाँ जाति का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क एक व्यक्ति पड़ता, एक जाति पर पड़ता है, वो उस समय रामानंद जी के समय में भी था उतना ही, और इनके समय में भी उस समय उतना ही है, वो जाति पर है जाति, बाकी यहाँ की और जाति देखिए बहुतायत संख्या में यहाँ ब्राह्मण है, ब्राह्मण हमको पहले भी बताएं कि जातिवादी नहीं होता है, वो देखता है कि वास्तव में विकास करने वाला व्यक्ति है और हमारा हमारे क्षेत्र का हमारे ज़िले का हित कहाँ से है, हित पे जाता है, इसलिए यहाँ वो फैक्टर लागू नहीं होगा। और परिस्थिति बदली हुई है, पहले 2 मुख्यमंत्री लड़े थे और 2 मुख्यमंत्री को निश्चय हराने वाले व्यक्ति के एक अजय योद्धा थे वो, और वो सर्वहारा वर्ग के नेता थे और उनके बेटे हैं, वही नक्शे कदम पर भी चल रहे हैं, और इनका भी उसी तरह से लोगों के प्रति लगाव है, और उनके पिता के भी जो साथी थे, पिता के भी लोग थे, और इनके लोगों ने मिल करके निश्चय ही इस बार कांग्रेस को फतेह मिलेगी। और एक फायदा एक मिलेगा कि जो BSP के लोग थे वो लोग व्यक्तिगत जो पार्टी के लोग तो चल, लेकिन जो व्यक्तिगत इनके सिद्धांत से जुड़े थे वो आज भी इनके
पहले इनके पिताजी से जुड़े थे, आज इनसे जुड़े हैं और उसका भी इनको बेनिफिट मिल रहा है। और एक सवाल और है, जैसा कि आपने कहा कि युवा वर्ग की जब हम बात करते हैं, बात चाहे रीवा की हो, चाहे सतना की या सीधी की, यहाँ पर जो दो मुख्य इंडस्ट्रीज हैं वो सीमेंट है और ऊर्जा है, कोयला है, कोयले से जो बिजली बनाई जाती है। लेकिन जब हम वास्तव में युवाओं के रोजगार की बात करते हैं तो पलायन यहाँ की एक महत्वपूर्ण समस्या है। और जब कई बार हम ग्राउंड पे वर्क करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो वहाँ पर अक्सर सुनने में ये चीज़ें आती हैं कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार के नाम पर सिर्फ सीमेंट की धूल ही मिलती है। अगर कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतती है तो उसमें किस तरीके से स्थितियों में परिवर्तन होने वाला है और कैसे युवाओं के यहाँ रोजगार सुनिश्चित कराया जाएगा, इस बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहिए। देखिए, ये तो जब शासन सत्ता में सरकारें होती हैं वो और यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि होते हैं वो निश्चय करते हैं और कंपनियों में, फैक्ट्रियों में दबाव बनाते हैं तो लोकल लोगों को मौका मिलता है। पर जो यहाँ के क्षेत्रीय, चाहे सांसद रहे हों, चाहे मंत्री रहे हों, यहाँ पे आप रीवा में देख रहे हैं सोलर ऊर्जा प्लांट भी है, सीमेंट फैक्ट्री भी है, कोयला उत्पादन भी है, तो यहाँ अपने लोगों को रोजगार मुहैया ये लोग नहीं करा पाते हैं। और ये आज नहीं, आज आप 20 सालों से देख रहे हैं और ये समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो केवल अपने बारे में सोचते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेके कंसल्टेंसी के माध्यम से बाहर के लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं, चूँकि उनको इसमें कमीशन मिलता है। और यहाँ का जब व्यक्ति रोजगार में या लगेगा फैक्ट्री में, वो पैसा इनको नहीं मुहैया कराएगा, इसकी वजह से ये लोग कमीशन के लिए ऐसा काम करते हैं और इससे हम लोगों के यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। और आप देख रहे हैं आए दिन अपराध बढ़ रहा है, आए दिन हत्याएँ हो रही हैं। और निश्चित ही आज अगर अपराध के क्षेत्र में देखें तो रीवा और सतना यूपी से सटा हुआ है और कई ऐसे जघन्य अपराध और माफिया और सक्रिय हैं केवल इन्हीं क्षेत्रीयों नेताओं मंत्रियों की वजह से। एक चीज़ और है, इस बार जब हम बात कर रहे हैं राजनीतिक गलियारों की, इस बार जब हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनावों की, तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है लगातार भाजपा के द्वारा, लगातार बीजेपी के माध्यम से डबल इंजन की सरकार का नारा दिया जाता है। सतना में चूंकि विपक्ष के विधायक हैं तो क्या वो डबल इंजन की सरकार सतना के विकास को अवरुद्ध करती है? जैसे कि आपने पूर्व में भी कहा कि बजट का भी एक जो है तो बड़ा मसला होता है, तो क्या कुछ इस तरीके की भी समस्या? बिल्कुल बिल्कुल, जिले में है, जिले में जब जहाँ तो प्रकृति, ये तो पहले से रहा है, जिसकी सरकार होती है बीजेपी, खासकर जिसकी बीजेपी तो खासकर बदले की भावना से काम करती है, जहाँ उनके लोग नहीं होते हैं वहाँ वो बिल्कुल बजट नहीं देते हैं, चाहे वो नगर निगम की बात करिए आप, चाहे जिले की बात करिए, चाहे प्रदेश की बात करिए। तो निश्चय ही यहाँ मात्र एक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो बदले की भावना से विकास में कोई रोड़ा नहीं हटाती है। वो देखिए आप, इसके पहले कांग्रेस की सरकार 2014 के पहले थी, आपने देखा केंद्र में, तो उन्होंने बराबर बजट दिया है, बराबर जितनी मांग यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी के थे, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, बराबर बजट जो मांगा गया शिवराज जी को दिए थे, कमलनाथ जी से ले लीजिए, चाहे और भी बड़े नेता हैं, यहाँ आज जो रोडें दिख रही हैं, जितनी भी आपको रोडें दिख रही हैं, ये सब माननीय कमलनाथ जी जब भूतल परिवहन मंत्री थे तब उन्होंने खुल कर यहाँ बजट दिया था मध्य प्रदेश, और उसके कारण ही आज यहाँ सारे विकास की जो आपको रोडें दिख रही हैं, जो भी विकास, चाहे वो PMGSY की रोड हों, चाहे आपके केंद्र की जो भी रोडें भारत सरकार की, वो सब उन्हें दिख रही हैं। और निश्चय जहाँ एक मुद्दा और आपके बाद में भी आपने कहा, देखिए हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, निश्चय ही हमारे जो सांसद जी हैं, देखिए ये भारत के मानस पटल में रखने वाली चीज़ है, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं केंद्र से पोषित होती हैं, राज्य से इनका ज़्यादा मतलब कम होता है, ये कभी इस ओर ध्यान नहीं दिए, जो भी ध्यान दिए हैं तो निजी हित के लिए ध्यान दिए हैं। फैक्ट्रियाँ, अभी एक फैक्ट्री और हमारे यहाँ आ रही है, जस्ट प्रिज्म सीमेंट के बगल से आ रही है, घुंघचिहाई के आसपास, वहाँ भी है, और अभी तक में लगभग 10 या 12% लोगों को यहाँ रोजगार मिला है अभी तक में, जो भी मिला वो भी ऐसे लोगों को जो अक्वालिफाइड हैं, जो अथवा उनको मिला है, जिनकी ज़मीनें वहाँ फंसी हैं उनको दिए हैं, और बाकी उन्होंने रोजगार के रूप में क्षेत्र के लोगों को, मतलब जैसे दिल खोल के देना चाहिए, जैसे हमारे उसमें आपके संविधान में है कि 70% क्षेत्र के लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, 30% में बाहर के लोग रहें, तो सेम उसका उल्टा भी नहीं।
और निश्चय ही हमारे यहाँ के लोग बेरोजगार लोग बहुत परेशान हैं। और ये सरकार जो है तो 2014 के पहले जो जो वादा किए थे 15 लाख सबके खाते में जाएंगे वो आज। लेकिन अब तो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं चीजों की। हाँ तो देख लीजिए, पहले भी तो उन्होंने गारंटी दी थी 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाएगा। क्या दिया? एक भी लोगों को मिले। यहाँ तक कि 3 लाख मध्य प्रदेश में 3 लाख के लगभग आपकी पोस्टें जो है रिक्त पड़ी हैं, एक भी पोस्टें भरी नहीं गई। जो भी पोस्टें निकलती हैं उनको पहले निकाल करके, चाहे वो गरीब हों चाहे बेरोजगार हों, पहले उनसे फीस के रूप में पैसा ऐंठा जाता है, बाद में वही उनके पेपर ओपन करके उस परीक्षा को ख़त्म कर दिया जाता है, उसी से वह सरकार चलाने लगते हैं, सरकार चलाते हैं, इसलिए कि अरबों का बजट हो जाता है इसमें। तो इस तरह से कर रहे हैं ये, रोजगार देने वाले लोग नहीं, मूर्ख बनाकर जनता को लूटने वाले हैं, महंगाई ठगने वाले। महंगाई आज देख लीजिए चरम सीमा पर है। आज 1600 रुपये केजी आपका जीरा मिल रहा है, जो 50 रुपये किलो तेल मिलता था 2014 में, आज वो 250 रुपये मीठा तेल हो गया है। 57 रुपये लीटर तेल आज 110 रुपये मिल रहा है। महंगाई मतलब चरम सीमा, मतलब कहना चाहिए कि अंग्रेज लोग है, अंग्रेज क्या है कि जिस तरह से यहाँ पर आए थे तो लोगों को परेशान तो जरूर किए थे लेकिन खून नहीं चूसे थे। ये गोरे लोगों से ज़्यादा खतरनाक हैं, ये लोग आम लोगों किसानों का खून चूस रहे हैं, आम जनता का खून चूस रहे हैं और किसान परेशान हैं इनसे। अभी इन्होंने इसके ठीक 4 महीना पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम समर्थन मूल्य में 31 रुपये धान लेंगे और 27 रुपये किसानों के गेहूं लेंगे। क्या उन्होंने लिया? झूठ बोला। अभी जब जाने की ये बात बड़ी तेज उठ रही है तो उन्होंने कहा कि मैं अब किसानों को 124 रुपये वो दे दूंगा, बोनस दूंगा। ये क्या है? मतलब लालीपाप, मतलब जब आपके सामने वोट देने की बात आई तो आपने एक लालीपाप दिखा दिया, वो मिलता है नहीं मिलता भगवान जाने। ये इस तरह से झूठ बोलने वाली सरकार है, हमेशा प्रोपेगेंडा करती है और एक झूठ को इतना 100 बार बोलते हैं और 1000 बार बोलते हैं कि तब तक बोलते रहते हैं जब तक लोग इसको हाँ नहीं कर देते हैं। हाँ, तरीके से आप कह रहे हैं जो बातें तो गारंटी को पूरी तरीके से निराधार बता रहे हैं, लेकिन एक सवाल और है कि अब की बार 400 पार ये हर राजनीतिक गलियारों में, इसकी क्या हकीकत कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर? कार्यकर्ता के तौर पर देखते हैं, इन्होंने वैसे भी पहले से कह दिया, चूंकि उन्होंने बताया ना कि प्रोपेगेंडा करने में बहुत माहिर हैं, ये निश्चय ही ईवीएम का खेल खेलेंगे। ईवीएम में वही 60-40 का रेशियो बनाएंगे और जहां पर देखेंगे इनका एक कला है इनमें कि ये 6 महीने पहले ये जो सर्वे इनके आरएसएस वाले करते हैं उस आरएसएस में देखते हैं कौन सी सीट हारने वाली कौन सी जीतने वाली। जो सीट जीतने वाली होती है उसमें ये अपना ईवीएम सेट कर देते हैं, जो हारने वाली होती है उसमें मार्जिन कम कर देते हैं कि जब अपने दम से जीत गया तो जीत गया, हार गया तो हार जाए, तो कहने के लिए हो जाएगा कि देखिए ये पहले सीट हारी हुई थी। ईवीएम का खेल है, पहले भी हमारी कांग्रेस ने खुल के कहा है कि ईवीएम में छेड़खानी करते हैं और सीधे ईवीएम के बल पर। जब तक देश में ईवीएम रहेगा तो हम समझते हैं कि इनका खेल चलता रहेगा, 400 बोल दें 500 बोल दें सब मुमकिन है। कहते हैं कि इनका ये कहना है और इनके नेता का कहना है, प्रधानमंत्री कहना है 400 पार, तो ये भी कहते हैं कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, तो इसीलिए मुमकिन है। एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से 400 पार भी संभव है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और दिखाई देती है। ये तो ईवीएम की बात हो गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा और बहुत तेजी से हो रही है संविधान को लेकर के। अनंत हेगड़े की बात हो, लल्लू सिंह की बात हो, मधु मिश्रा की बात हो, ये कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, सांसद हैं, प्रत्याशी हैं, जो कहते हैं, लल्लू सिंह जी कहते हैं कि संविधान को संशोधन नहीं बदलने की जरूरत है, मधु मिश्रा कहते हैं कि संविधान को इसलिए बदलने की जरूरत है कि कुछ लोग हमारी जूतियों के नीचे रहते थे अब हमारे सर पे बैठने लगे हैं, अनंत हेगड़े कहते हैं कि 400 पार सीटें इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान को परिवर्तित करना है। ये कितना बड़ा मुद्दा है या फिर जो है एक तरीके से राजनैतिक सहमा सहमी में गर्मा गर्मी में ये बातें ऐसे निकल जा रही है, पहला मुद्दा तो ये है। दूसरी चीज, युवाओं के लिए रोजगार, जातिगत जनगणना और गरीबी, ये कितने बड़े कितने अहम मुद्दे हैं। आप चूंकि युवा हैं, आप युवाओं के मुद्दों को बेहतर समझते हैं, तो आपसे ये चीजें जानना चाहते हैं। पहली बात तो जो आपने 400 की बात कही, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर 400 इनकी सीटें आ रही हैं, ये गली गली झंडा लेके नुक्कड़ सभाएं और ये क्यों कर रहे हैं? इनकी तो आ ही रही, इनको तो बढ़िया से बैठना चाहिए घर में, क्यों देख जी इनको परेशान होने की क्या जरूरत है? इस धूप में भी भाजपा के कार्यकर्ता आरएसएस के कार्यकर्ता गली गली घूम रहे हैं, आपने अभी रास्ते में भी देखा, अगर 400 की बात करें। दूसरी बात, आपने एक मुद्दा पीछे भी देखा होगा, परिवारवाद, तो मोदी जी ने कहा कि ये सब हमारे परिवार हैं। मैं तो आपसे कहता हूँ कि मोदी जी के 2 ही परिवार, अडानी और अंबानी,
अब देश के दो परिवार उनके साथ है, बाकी गरीब जनता की तो कुछ कभी चर्चा नहीं किए। क्या गरीबी की उन्होंने कभी बात की? क्या कभी किसान के मुद्दों पे उन्होंने कोई बात रखी? किसान पंजाब के दिल्ली तक आ नहीं पाए, बॉर्डर में उनके लिए किले और तारे बिछवा दी गई, आपने सब देखा ही, कितने लोग हजारों लोग पहुंच गए कहां से कहां, घर बार उनके बेघर हो गए। तो ये सब मुद्दे जो हैं, और जो आपने कहा रोजगार की बात, तो रोजगार तो इनके मैनिफेस्टो में है ही नहीं। आपने देखा क्या भाजपा ने आज तक अपनी जो भी घोषणाएं की हैं, क्या कभी उन्होंने रोजगार को लेकर कोई घोषणा की? और जितने भी वादे किए, कभी किए भी तो उसको कभी पूरा नहीं किया। 2 करोड़ का वादा इन्होंने जब भी चुनाव आता तब, ये तो देखिए घोषणा वीर तो भाजपा कह ही जाते हैं, घोषणा कर देना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। और उन्होंने जब अभी घोषणा की तो दिल्ली के किसी एक फुटपाथ के व्यक्ति को पहली कॉपी दी, इससे क्या दिखाना चाहते हैं भाजपा, क्या दिखाना चाहती है? माने दिल्ली के एक फुटपाथ के व्यक्ति को घोषणा पत्र देके बाकी को फुटपाथ पहुंचाना चाहते हैं, यही इनका मुद्दा है। और बेरोजगारी, आप गांव में चलिए देखिए भाई, जो आप उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, इन्होंने क्या कहा, हमारी बहनों को धुआं ना लगे, आंखें खराब हो जाती, अब नहीं लग रहा धुआं, अब सिलेंडर जब 1200 1500 1600 पहुंच गया, अब नहीं लग रहा धुआं। ये सब केवल इनका पैसा कमाने का जरिया है, एक प्रचार करने का मुद्दा है। आप इनके आप प्रचार सामग्री देखिए कितनी महंगी है, इनके झोले जो ये प्रचार में बांट रहे हैं वो कम से कम 200 के झोले होंगे, कहां से आ रहा है ये पैसा इनका प्रचार? मैं तो कहता हूं हमारे यहां जो लोकसभा प्रत्याशी है 100 करोड़ से ऊपर का चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों अध्यक्ष जी? भाई हम लोग तो गरीब किसान के बेटे हैं, हम लोग कहां पाएंगे 100 करोड़? हमारे साथ जनता है, इनके पास पैसा है। पर अब इस बार जनता इनको जवाब देगी, निश्चित ही 26 को वोटिंग होगी और आपको 4 जून को रिजल्ट दिखेगा। बिल्कुल, जो आपने बातें कही कि एक तरफ पैसे की ताकत है, एक तरफ जनता की ताकत है, अब निश्चित तौर पर हमारे व्यूवर को भी 4 जून को ये पता चल पाएगा कि इस बार कौन सी ताकत जीतने वाली है। और अंत में जो सतना की जो जनता है, किस तरीके से क्या बेहतर कांग्रेस करेगी अगर चुनाव जीतती है? कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात की है, चाहे वो समाज की बात हो चाहे क्षेत्र की बात हो। हमारे क्षेत्र में अभी सबसे ज़्यादा हमारे जैसे ये हवाई अड्डा हमारे यहाँ का एक, अगर केंद्र में सरकार कांग्रेस की आती है, पहले भी मुद्दा रहा है, तो जिले में हवाई अड्डा, हमारे बगल का हवाई अड्डा, हमारे सांसद जी ने मतलब यहाँ का हवाई आया हुआ हवाई अड्डा सतना रीवा चला गया, निश्चय ही इससे हमारा पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा सतना जिला जुड़ेगा। एक मुद्दा है सबसे बड़ा। दूसरा जो आपके जिस तरह से अभी मैं सतना के बगल में रीवा को देखता हूँ, जिस तरह से मतलब शहर का विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में सिटी का जिस तरह से विकास होना हुआ है, उस तरह से विकास उसी नक्शे कदम पे हमारा सतना भी होगा, हमारा अगर सांसद होगा, चूंकि युवा सांसद होंगे और जागरूक ऊर्जावान सांसद होंगे, तो बहुत सारी योजनाएं जो प्रदेश की देश की योजनाएं हैं वो हमारे जिले में आएंगी, हमारे जिले को जिला अभी जो बेहतर हमारे यहाँ का जो स्वास्थ्य है वो नहीं है, शिक्षा पे काम करेंगे। हमारे यहाँ आज स्थिति है कि हॉस्पिटल हैं पर डॉक्टर नहीं है, स्कूलें हैं शिक्षक नहीं है। इन सब मुद्दों पर जो क्षेत्रीय मुद्दा हैं, जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, इन पर वो विशेष अमल करेंगे। और जो विकास के हमारे रोटी कपड़ा मकान गरीबों के अंतिम छोर में रहने वाले जो गरीब हैं उनके लिए हमेशा इन्होंने लड़ाई लड़ी, आज भी लड़ेंगे और उनका विकास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में ये वैसे भी पहले से सजग रहे हैं हमारे माननीय विधायक जी, वर्तमान सांसद प्रत्याशी हैं, शिक्षा के भी में बेहतर काम करेंगे ऐसा मेरा सोचना भी है और है भी, उनका एक सोच भी है कि पहले अगर शिक्षा समाज में शिक्षा अगर होगी तो हमारा क्षेत्र का विकास होगा, सार्वजनिक विकास होगा, लोगों का कहना चाहिए कि सर्वांगीण विकास उससे जुड़ा हुआ है। इस तरह से निश्चित बहुत सारी योजनाएं हैं जो क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में अभी जो अंतर्राष्ट्रीय नहरें हैं, जहाँ जहाँ नहरें नहीं पहुँची हैं, जिसके कारण से लोगों को जो बेहतर पानी की मतलब सिंचाई की सुविधाएं होना चाहिए वो सुविधाएं मुहैया कराएंगे, इस पर भी उनकी हमेशा सोच रही है माननीय हमारे विधायक जी की। तो पहले जो क्षेत्रीय समस्याएं उन पर उनकी नज़र है और निश्चय ही विकास करेंगे क्षेत्र में। चर्चा के लिए जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर जो सतना क्षेत्र रहा है, तो सतना में कौन सी विकास की संभावनाएं हैं और किस तरीके से एजेंडे में, राजनीतिक एजेंडे में इसे शामिल किया जाता है, किस तरीके से सतना की जनता के साथ अभी तक काम किया जाता रहा है और आगे किस तरीके की कार्य योजना है,
इस मुद्दे को लेकर के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विष्णुकांत कुशवाहा जी ने हमसे चर्चा की। उम्मीद करते हैं चर्चा आपको पसंद आएगी। हम ऐसे ही राजनीतिक गलियारों से होते हुए आपकी आवाज़, जनता की आवाज़ और साथ ही साथ राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं की आवाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।